लास्ट ईयर एक नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया, 1.5 नंबर पूरा साल खा गया। इसे 4 सालों का बर्डन है कुसुम पर। कुटी पहन लेने से उसका बर्डन थोड़ा कम होता है। यार जी, पर यू पता नहीं था कि अंगूठी के साथ एक सवाल और आता है। इस बार ना निकड़ाते क्या करूं, पहले लोग पूछते थे, अब मैं खुद से पूछता हूं। इस साल ना निकला देखे करूं। आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता, मतलब कुछ तो और हेल्प मिलती है। हेल्प तो मिलती, आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की, कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। मगर जाओ रखे हम उनकी रोटी छीन के, कोचिंग तो ना होगी मुझसे तो ना करी इस साल। संदीप भैया, आपका कोई प्लान भी है क्या? प्लान बी इज फॉर लूजर्स, समझा ना? प्लान बी इज फॉर लूजर्स, ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। नहीं भी समझ में आ रहा है, प्लान बी का क्या मतलब होता है? आपको पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूं जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया, लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहता हूं। दुनिया के काम तो आ रहा हूं पर एक दूरी में फंस गया हूं। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार रिश्ते दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस है। बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं पर आप पर गर्व करने वाला कोई नहीं। लोग तारीफ करते हैं, तालियां पीटते हैं, गालियां देते हैं, पर अंदर से एकदम खाली, जीरो। कोई साथ में हंसने रोने वाला कोई नहीं होता। सुम वाज माय रॉकेट, लॉस्ट हर टू अचीव माय हाइट्स। मुझे उसका हाथ पकड़े रहना चाहिए था, सच में छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ा। आपको पता है माँ बाप प्यार दोस्त इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट एट ऑल। पता है, पता होगा आपको, ह्यूमन बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए कान में फ्लूइड होता ना, वो फ्लूइड थी मेरा कुसुम, मेरी लाइफ से फ्लूइड खत्म हो गया। से कर रहे थे तो बहुत कंफ्यूज थे हम कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लान बी का असली मकसद तो बैलेंस बढ़ाना है ना। हम कितने सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, दूसरों के फियर्स, दूसरों की अनसर्टेनिटीज, दूसरों के ईगोस हमने कभी मायने ही नहीं रखे, बस एक दिशा में चलते चले गए।
वही हमारी दुनिया थी। काश मुझे एक मौका मिलता, कोई बताने वाला होता मुझे, कोई गाइड करने वाला होता। I lost my chance. Can't amend my mistakes.